मेरा पड़ोसी प्रदीप बिल्कुल साथ वाले घर में रहता है, लेकिन सूरज उसको ज्यादा रोशनी देता है और मेरे को कम। उसको सांस लेने के लिए ज्यादा हवा मिलती है, मेरे को कम मिलती है। और तो और जब बारिश होती है ना, तो उसके घर में तो क्या बारिश हो रही होती है और मेरे यहां सूखा पड़ा होता है। ऐसा नहीं होता ना, लेकिन हम कई बार ऐसे कहते हैं ना कि यार उसके पास टाइम बहुत है और मेरे पास टाइम नहीं है। सबके पास टाइम बराबर होता है 24 घंटे, हर किसी के पास 24 घंटे है। फर्क इस चीज से पड़ता है कि कौन अपने टाइम को ज्यादा एफिशिएंटली मैनेज कर रहा है और ज्यादा आगे बढ़ पा रहा है। आपको इस वीडियो में कुछ ऐसी टिप्स देने वाला हूं जिनको यूज करके आप उसी टाइम में अपनी एफिशिएंसी, अपनी प्रोडक्टिविटी, अपने रिजल्ट्स कई गुना बढ़ा लोगे, कई गुना मल्टीप्लाई कर लोगे। मैं तैयार हूं, आप तैयार हो? पहला जो पॉइंट है वो बहुत ही बेसिक है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसा होता है ना, जो मुश्किल काम है हम कहते हैं थोड़ी देर बाद करते हैं, दोपहर को कर लेंगे, चलो यार शाम तक खींचता तो शाम को पक्का कर लेंगे, रात को सोने से पहले कर लेंगे, रात को कहते हैं यार कल कर लेंगे, और सारा दिन कहीं ना कहीं मेंटल प्रेशर, स्ट्रेस में हम पड़े रहते हैं। मार्क ट्वेन ने एक चीज कही थी, उन्होंने कहा था कि अगर आपके कामों की लिस्ट में जिंदा फ्रॉग खाना है, जिंदा मेंढक खाना है, तो सबसे पहले पहला काम यही करो, और अगर दो जिंदा मेंढक खाने हैं तो जब सबसे भद्दा है, सबसे बड़ा है, उसको पहले खाओ। मैं आपको यहां मेंढक खाने को नहीं कह रहा, मेरी टिप ये नहीं है। इनफैक्ट ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है कि ब्रेन ट्रेसी, बहुत फेमस राइटर है, उन्होंने इस पॉइंट पे पूरी बुक लिखी टाइम मैनेजमेंट पे, जिसको कहते हैं ईट दैट फ्रॉग। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपके दिन में जो भी आपके काम है उसमें जो सबसे मुश्किल काम है, सबसे कठिन काम है, उसको सबसे पहले करो। इसके बहुत फायदे हैं। एक, जब आप सुबह सुबह वो काम कर लेते हो तो पूरा दिन आपको स्ट्रेस में नहीं रहना पड़ता, पूरा दिन आपका माइंड प्रेशर में नहीं रहता, पूरा दिन आप ज्यादा एफिशिएंट हो पाते हो क्योंकि आपने वो काम कर लिया। दूसरा, जब सुबह सुबह आप अपना सबसे कठिन काम करते हो तो सारा दिन कॉन्फिडेंस रहता है कि सुबह सुबह अचीव किया है। वो कॉन्फिडेंस से, उस खुशी से, उस अचीवमेंट से आप अपने दिन में ज्यादा एफिशिएंट हो पाते हो। सिंपल सा पॉइंट है लेकिन सोच के देखो कितना इफेक्टिव है। तो एक वादा मुझे कमेंट्स में दो, फिर अगले पॉइंट पर चलेंगे। आज से जो सबसे कठिन होगा वहीं से शुरू दिन होगा, जो सबसे कठिन होगा वहीं से शुरू दिन होगा। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। अच्छा, अगर अभी आपसे बात करते हो, मैं आपको बोलूं रुको, मुझे ना अपनी ईमेल्स चेक करनी और मैं अपनी मेल्स चेक करनी शुरू हो जाऊं, टिंग टांग टिंग टांग टिंग टांग, और एक घंटा मेल्स चेक करता रहूं, तो आपको कैसा लगेगा? आपको डिसरिस्पेक्ट फील होगी, आपको लगेगा मैं आपका टाइम वेस्ट कर रहा हूं, आप वीडियो छोड़ के भाग जाओगे। लेकिन यही चीज आप कई बार अपने साथ करते हो, खुद को और अपने टाइम को डिसरिस्पेक्ट करते हो। काम करने बैठे हो, पढ़ाई करने बैठे हो, ऑफिस का कोई काम है, घर का कोई काम है, कुछ भी इंपॉर्टेंट है, बीच में एक व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन आई, एक सोशल मीडिया की नोटिफिकेशन आई, आप भाग गए, उस दुनिया में चले गए, अपने टाइम की ही डिसरिस्पेक्ट करी, उस टाइम को वेस्ट कर दिया। रात को लेटे हुए हैं, सोए ना सोए, इतने में पता नहीं कौन सी वीडियो, कौन सी फोटो, कौन सी गलिये चौबारे में हम चले गए, और कितना इंपॉर्टेंट टाइम कैसे झट से बीत जाता है, अपने टाइम की बेइज्जती करते हैं। सो जिस तरह से आप ये वीडियो को छोड़कर चले जाते ना, उसी तरह से खुशियां, सक्सेस, सफलता आपको छोड़कर चले जाएगी अगर अपने ध्यान को भटकाते रहोगे। ध्यान को भटकना नहीं है, उसको अटकना है, भटकना नहीं है, उसको अटकना है। इसलिए जब भी कुछ इंपॉर्टेंट काम करने बैठो, अगर सोशल मीडिया आपके काम का पार्ट नहीं है तो इंटरनेट को ऑफ करके करने बैठो, उसको रिस्पेक्ट करो। जितनी देर काम कर रहे हैं वो सोशल मीडिया का टाइम नहीं है, सोशल मीडिया का टाइम फिक्स्ड है, उस टाइम पे हम उनको ऑन करेंगे, उनको देखेंगे, बाकी टाइम ध्यान अटकेगा, भटकेगा नहीं। सो अब एक और वादा दो मुझे कमेंट्स में कि ध्यान अटकना चाहिए, भटकना नहीं चाहिए। आपके कमेंट्स पढ़ूंगा, प्रॉमिस करते जाओ मुझसे, दिल से वादा करो। अब जो पॉइंट आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं ना, ये सिर्फ टाइम मैनेजमेंट में नहीं, लाइफ मैनेजमेंट में आपके बहुत काम आएगा। अगर आपको इस पॉइंट के बारे में पहले से नहीं पता तो आपके लिए एक बल्ले 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 मूवमेंट होने वाली है। इस पॉइंट को कह सकते हैं 80-20 रूल, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। आपको एक बात बताता हूं, मेरी 20% वीडियोस मेरे चैनल के 80% व्यूज का कारण, और ये सिर्फ मेरे साथ ही नहीं है, बहुत सारे मेजॉरिटी चैनल्स के साथ है। ऐसा बहुत सारे बिजनेसेस में होता है कि 20% प्रोडक्ट्स 80% रेवेन्यू का कारण होता है। ये आपकी लाइफ में भी होता है, 20% रिश्तेदार 80% टाइम काम आते हैं, 80% टाइम जुड़े रहते हैं, बाकी 80% आपके बहुत काम के नहीं होते। दोस्तों के साथ भी ऐसा होता है, जितना आपका बड़ा सर्कल है उसमें से 20% लोग होंगे जिनके साथ आप अपना 80% टाइम बिताते हैं। इस रूल को कहते हैं परीटो, परीटो फॉर्मूला कहते हैं, परीटो प्रिंसिपल कहते हैं। अब ये टाइम मैनेजमेंट में आपके बहुत काम आ सकते हैं।
आप अपने दिन के एक्शंस को अगर लिस्ट डाउन करो, आप अपने दिन की हैबिट्स को अगर लिस्ट डाउन करो, तो आपको नजर आएगा कि आपको सारी हैबिट्स पे, सारे एक्शंस पे दिमाग लगाना, मेहनत लगानी, एनर्जी करनी, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। कई बार हम लगे रहते हैं और रिजल्ट आते नहीं, थक के टूट के हार जाते हैं। इस फॉर्मूला को यूज करो, अपने पूरे दिन के आदतों में से कोई 20% आदतें ऐसी आइडेंटिफाई करो जिससे 80% एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, 80% रिजल्ट्स बढ़ जाएंगे। जैसे मेरे केस में, मेरे पूरे दिन की आदतों पे मैं जोर ना भी डालूं, सिर्फ 20% जो सुबह उठना और सुबह उठ के एक्सरसाइज करना, टाइम पे उठना और एक्सरसाइज करना, ये मेरे पूरे दिन की 20% हैबिट्स हैं। लेकिन अगर ये कर लेता हूं, मेरा पूरा दिन प्रोडक्टिव जाता है क्योंकि टाइम पे उठा होता हूं, सारा दिन टाइम पे जाता है, एनर्जेटिक होता हूं क्योंकि एक्सरसाइज करी होती है, डाइट का ध्यान रखता हूं, ज्यादा टाइम ऑफिस में बिता पाता हूं, ज्यादा काम कर पाता हूं, ज्यादा अच्छे से ट्रेवल कर पाता हूं, 20% आदतें 80% जिंदगी सुधार देती हैं। अब आप अपनी जिंदगी में देखो परीटो को कैसे फिट करना है और टाइम को कैसे एफिशिएंट करना है। अब अगले पॉइंट पे चलें। पहले मैं आपको वेलकम बोल दूं, वेलकम, माय प्लेजर, मेंशन नॉट, क्यों? क्योंकि आप थैंक यू बोलने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट टूल आपको देने वाला। बहुत सारे टास्क होते हैं ना, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप बिजनेसमैन हो, चाहे आप प्रोफेशनल हो, जॉब कर रहे हो, बहुत सारे टास्क एक दिन में होते हैं और ये टास्क आगे पीछे होते रहते हैं, समझ नहीं आता कैसे मैनेज करें। टास्क मैनेजमेंट अगर आ गई तो डे मैनेजमेंट होगी, डे मैनेजमेंट होगी तो लाइफ मैनेजमेंट होगी। सीधा चलता हूं टूल पे लेके। इस मेथड को हम क्वाड्रेंट सिस्टम कहते हैं, जिसमें आपके पास चार क्वाड्रेंट्स हैं, यानी कि ये चार खाने हैं। इस मेथड का एक नाम अर्जेंट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स भी है, जिससे आपको पता चलता है कौन सा काम जरूरी है, कौन सा पहले करना है, कौन सा बाद में करना है। तो इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। अब एक तरफ आ गया अर्जेंट नॉट अर्जेंट, एक तरफ आ गया इंपॉर्टेंट नॉट इंपॉर्टेंट। अब आपके जो भी काम है, जो अर्जेंट भी है, जिनको करना एकदम जरूरी भी है और इंपॉर्टेंट भी है, जो बहुत महत्वपूर्ण भी है, वो आएंगे आपके फर्स्ट बॉक्स में। इस बॉक्स में कोई ऐसी असाइनमेंट या प्रोजेक्ट जिसकी डेडलाइन हो, जिसको आज ही कंप्लीट करना जरूरी हो, कोई एग्जाम जो सर पे हो उसकी प्रिपरेशन, कोई बिल भरना है जिसकी लास्ट डेट आने वाली है, ये काम अर्जेंट भी है, इंपॉर्टेंट भी है, ये सबसे पहले आते हैं। दूसरे में आ जाते हैं वो काम जो अर्जेंट तो नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। नोट्स पढ़ने हैं, कुछ खुद को इंप्रूव करने के लिए वीडियोस देखनी है, एक्सरसाइज करनी है, हेल्थ को ध्यान देना है, मतलब आने वाले दिनों की तैयारी करनी है। कोई डेडलाइन तो नहीं है लेकिन जरूरी है। देखो कैसे आपके काम ना फिल्टर होते जाएंगे। आपको पता होगा फर्स्ट बॉक्स के काम पहले करने हैं, फिर सेकंड के, फिर थर्ड के। थर्ड में वो काम आते हैं जो अर्जेंट हैं लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। कोई ऐसी ईमेल्स हैं, कोई ऐसी फोन कॉल्स हैं, कोई ऐसी मीटिंग है। अब फोर्थ का आपको क्लियर हो गया होगा, वो काम जो ना अर्जेंट है ना इंपॉर्टेंट है, मतलब जब टाइम बच जाएगा तो ये चीजों को मैं कर लूंगा। इसमें वो फोन कॉल्स हो सकती हैं जो आप टाइम बचने पे करना चाहते हो, किसी पुराने दोस्त को करना चाहते हो, कोई मूवी है पेंडिंग है, सोचा है जब भी टाइम मिलेगा तब देखूंगा, कोई गेम ऐसी खेलना चाहते हो। अरे अरे अरे, शुक्रिया तो गैरों का किया जाता है, अपनों का क्या करना। दोस्ती के इस पाक रिश्ते में एहसानों का रंग क्या भरना। मुझे आपके थैंक यू की आवाज आ रही थी ना, तो मैंने कहा शायरी सुना दूं। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, अपने हिसाब से सोच सकते हो। एक स्टडी ये कहती है कि कोई भी टास्क हो, चाहे ऑफिस का हो, चाहे पढ़ाई का हो, 52 मिनट्स की वर्किंग के बाद 17 मिनट्स की ब्रेक आपके लिए आइडियल है। अब आप में से जो लोग ऑफिस जाते हैं या कॉलेज में हर रोज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, उनके लिए अपने हिसाब से ऐसे प्लान करना जरूरी नहीं है, पॉसिबल हो कि 52 मिनट्स पढ़ेंगे, 17 मिनट की तो ब्रेक चाहिए मैडम, हमें नहीं पता। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो कैसे इस रूल को कहां अपने दिन में फिट करना है। लेकिन इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि जब हम अपने ब्रेन को रिलैक्सेशन देते हैं, ब्रेक देते हैं, टाइम आउट देते हैं, तो वो वापस जब काम पे आता है तो ज्यादा प्रोडक्टिव होता है, ज्यादा उस समय को निचोड़ पाता है। गाड़ी का भी रुकना जरूरी है ताकि उसकी एफिशिएंसी बनी रहे, हमारा भी बीच बीच में पॉज होना जरूरी है, सो दैट हम अपने दिन को एफिशिएंटली अचीव कर पाए। अब मैं आपसे वो एडवाइस शेयर कर रहा हूं जो एडवाइस मुझे मेरे जिम के कोच ने आज से 2.5-3 साल पहले दी थी और बहुत काम आई। ऐसा कई बार होता है ना, मेरे साथ होता था कि यार अब आधा घंटा ही बचा है तो क्या जिम करना, एक घंटा तो रहा नहीं, यार अब 15-20 मिनट है तो आज जिम रहने देते हैं। कई बार हम अपने कई कामों में ऐसे सोचते हैं कि अब उतना टाइम तो बचा नहीं तो कल कर लेंगे, उसको क्या शुरू करना, और ऐसे में बहुत बार हमारा फ्लो टूटता है, आदत टूटती है, काम रह जाता है। तो मैंने ये रूल बनाया कि चाहे आधा घंटा ही है एक्सरसाइज करो, चाहे 15 मिनट ही है, आदत नहीं तोड़नी, करना जरूर है। आप भी बहुत बार ऐसा कर लेते होंगे कि ये काम 2 घंटे का है, 2 चैप्टर पढ़ने थे 2 घंटे में, 1 घंटा इधर उधर चला गया, बचा 1 घंटा, तो उस 1 घंटे में हम सोचते हैं क्या करना, टाइम तो आधा ही बचा है, 15-20 मिनट बचे आज क्या करना, कल कर लेंगे। इस केस में एक रूल बना लो, चाहे वक्त है कम पर लौंडे में है दम,
चाहे वक्त है कम पर हम में है दम, मतलब चाहे कम कर लो लेकिन करो जरूर, उस हैबिट को टूटने मत दो। जितना टाइम है उतने में करूंगा, उससे आपके माइंड को ना एग्जिट नहीं मिलती, उससे आपके माइंड को पता था करना तो है ही, तो कल से एटलीस्ट ज्यादा टाइम करो। उससे आपकी आदत नहीं टूटती, कुछ कर लेते हो, कुछ अचीवमेंट फील करते हो, अगले दिन करने के लिए और कॉन्फिडेंट होते हो, स्ट्रेस नहीं होता, कैपेसिटी आपकी इंप्रूव होती है। इसलिए चाहे कम है वक्त, चाहे वक्त है कम पर लौंडे में है दम, उसको भी कर लेते हैं। चाहे कम है वक्त पर लौंडा है सख्त, चाहे कम है वक्त पर हम है सख्त। अब ये वादा भी करो मेरे साथ कमेंट्स में कि चाहे वक्त हो कम हम में रहेगा दम। अब एक बार पता क्या होता है, दो पक्षी हवा में उड़ रहे होते हैं, अचानक एक रॉकेट पास में से निकल के जाता है। एक पक्षी दूसरे पक्षी को कहता है, अभी ये कौन सा नया पक्षी आया मार्केट में, ये कौन है? दूसरा कहता है तो हमारे जैसा ही, कोई नया नहीं है, बस पूंछ पे आग लगी हुई है इसलिए तेजी से भाग रहे हैं। तो हमारी पूंछ पे ना आग लगी रहनी जरूरी है। अगर हमें अपने टाइम को मैनेज करना है, अगर अपने दिन को ज्यादा प्रोडक्टिव करना है, तो खुद को इंस्पायर्ड रखना जरूरी होगा, सो दैट हमारा टाइम वेस्ट ना हो। जो भी आप करना चाहते हो उसके रिलेटेड जहां से भी आपको इंस्पिरेशन मिलती है, अगर स्टडी में कुछ अच्छा करना चाहते हो, देश के लिए कुछ करना चाहते हो, तो कलाम साहब को पढ़ो। अगर बिजनेस में कुछ तगड़ा करना चाहते हो, रॉबर्ट कियोसाकी को पढ़ो। मतलब खुद को इंस्पायर्ड रखने के तरीके ढूंढो। ऐसे हैंडल्स, ऐसे चैनल्स जो आपका टाइम वेस्ट करते हैं उनको फॉलो मत करो, और जो भी लोग आपको इंस्पायर करते हैं, जिनसे आपका टाइम इन्वेस्ट होता है, उनको फॉलो करो, उनको सब्सक्राइब करो। मैं इंस्टाग्राम पे ऐसी कई चीजें डालता रहता हूं जो आपको मोटिवेटेड रखे, जो आपको इंस्पायर्ड रखे। आप इंस्टाग्राम पे मेरे साथ जुड़िए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट ऐसी चीजें, ऐसी इंस्पिरेशन, ऐसी टिप्स आपको मिलती रहे और आपकी पूंछ पे आग लगी रहे। सो इस वीडियो में जो आपने टाइम इन्वेस्ट किया है ना, अब एक्शंस लेकर उसकी रिटर्न ले लेना। ये जो पॉइंट्स आपने आज सुने हैं, जाने हैं, आपने एफर्ट करी अंडरस्टैंड करने की, अब देखो इनको लाइफ में कैसे उतारना है। और वादा करने की मूवमेंट अभी है, कमेंट्स में, खुले में, पब्लिक में ऐलान करो कि हाँ ये वादा मैं आपसे करता हूं, मैं आपके कमेंट्स पढ़ने वाला हूं। तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, इन पॉइंट्स को जिंदगी में उतारना, दुआओं में याद रखना, खुश रहना, खुशियां बांटते रहना। लव यू ऑल द बेस्ट।